अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से अपने घरों में मौजूद होंगे। सबक का आगाज़ करते हैं और मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर। बच्चों सबक है हमारे पास सुलह हुदैबिया, हम इसकी दोबारा से पढ़ाई करेंगे और इसकी दोहराई करेंगे, तो आप भी इसी तरह का चार्ट बनाकर इसकी पढ़ाई कीजिएगा और घर में अपनी मामा को या बाबा को या बहन या भाई को इसी तरह पढ़कर सुनाइएगा। तो जी बच्चों सबसे पहले हम सुलह हुदैबिया का तारुफ कि हुदैबिया कहाँ मौजूद था। हुदैबिया जो है मक्का के मकाम पर 11 किलोमीटर के मकाम पर हुदैबिया ये एक मकाम है जहाँ पर ये मुआहिदा हुआ यानी ये सुलह की गई। पस मंजर ख्वाब में बैतुल्ला की ज्यारत हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो सहाबा कराम के साथ बैतुल्ला की ज्यारत को गए। हिजरत मदीना के बाद मक्का की ज्यारत को यानी बैतुल्ला की ज्यारत को नहीं आए थे। रवानगी मक्का यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम थे जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला की ज्यारत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। कुफार से बातचीत, हजरत उस्मान को रवाना किया गया, देर तक रुकने की वजह से यह अफवाह फैल गई थी कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। कुफार के पास इसलिए भेजा गया कि उनको ये बताना था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए नहीं बल्कि बैतुल्ला की ज्यारत करने के लिए आ रहे हैं। शहादत उस्मान का बदला, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मौसूल हुई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बदला लेने का फैसला किया। कुफार को जब यह खबर पहुंची कि बैत की जा रही है और इनसे जंग करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं हजरत उस्मान का बदला लेने के लिए, तो कुफार ने सुलह की पेशकश की। सुलह की कुछ शराइत रखी गई थी और वो ये थी कि इस साल वापस चले जाएं मुसलमान, अगले साल ज़ियारत करेंगे, 10 साल तक जंग किसी से नहीं करेंगे, कुफार का आदमी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएगा तो वो वापस किया जाएगा लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदमी वापस नहीं करेंगे। अभी मदीना रवानगी ही में थे, रास्ते में थे कि सूरह फतह का नुज़ूल हुआ और उस सूरह फतह में मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी बताई गई। जी बच्चों अगर जो सुलह हुदैबिया की शराइत जो थी वो मुसलमानों के खिलाफ थी लेकिन मुसलमान इस सुलह से परेशान थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को सब्र तहम्मुल से तस्लीम कर लिया क्योंकि मोमिनीन के लिए सूरह फतह नाजिल हुई कि मोमिनीन के लिए बड़ी कामयाबी है, तो उनको यकीन था कि इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिकमत होती है, इसलिए उन्होंने इस फैसले को कबूल कर लिया। तो जी बच्चों उम्मीद है कि आज का सबक सुलह हुदैबिया आपको समझ में आया होगा। आप भी इसी तरह से इसका चार्ट बनाकर इसकी दोहराई कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। अब टीचर आपसे इजाज़त चाहती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।